दोस्तों आज की वीडियो में हम एफ फिफ्टीन ई एक्स फाइटर जेट को डिटेल में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या राफेल के सामने इसका एम आर एफ ए टेंडर में कोई चांस है एफ फिफ्टीन ई एक्स एफ फिफ्टीन फाइटर जेट का एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसके लिए अमेरिकन एयरफोर्स ने ऑर्डर दे दिया है एफ फिफ्टीन अमेरिका का एक प्रूवन प्लेटफॉर्म है और एक बैटल टेस्टेड प्लेटफॉर्म है जिसे बोइंग कंपनी बनाती है इस फाइटर जेट का एक मॉडर्नाइज वर्जन एम आर एफ ए कॉम्पिटिशन में इंडियन एयरफोर्स को ऑफर किया गया है इससे पहले बोइंग ने अपने एफ़ एटीन फाइटर जेट को ऑफर किया है इस फ़ाइटर जेट में बेस लाइन एफ़ फिफ्टीन के मुकाबले में बहुत सारी अपग्रेड्स की गई हैं इसके रडार इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी और सर्विस लाइफ को इम्प्रूव किया गया है ये फ़ाइटर जेट ट्वेंटी टू ए टू एयर मिसाइल्स को कैरी करने की क्षमता रखता है तो चलिए अभी इस फाइटर जेट के बारे में डिटेल में जानते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके रडार के बारे में इसमें ए पी जी एटी टू वी वन का इस्तेमाल किया गया है ये एक एस रडार है जिसमें एक नया कूलिंग सिस्टम लगाया गया है और नए रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्यूनेबल फिल्टर्स लगाए गए हैं जिसे आर एफ टी एफ भी कहा जाता है इस आर एफ टी एफ सिस्टम के साथ एक क्राफ्ट के रडार और जैमर एक साथ अच्छी तरह काम कर पाएंगे और एक दूसरे को डाउनग्रेड नहीं करेंगे इस रडार के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है लेकिन ऐसा ज्यूम कर सकते हैं कि इसकी रेंज एक फ़ाइटर जेट जितने बड़े टारगेट के लिए 150 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक होगी इस फाइटर जेट के आर एफ सिस्टम के साथ एक रडार और एक जैमिंग सिस्टम दोनों मिलकर काम कर सकेंगे और एक दूसरे को डाउनग्रेड नहीं करेंगे कई बार ऐसा हो जाता है कि जब एक एक क्राफ्ट का जैमर काम कर रहा होता है तो वो अपने खुद के एक क्राफ्ट के रडार के ऑपरेशन में कमियाँ लाता है और उसमें इंटरफेयर करता है इसके एवियोनिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें ईगल पैसिव एक्टिव वार्निंग सर्वाइवेबिलिटी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा ये एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और थ्रेट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है इसमें नई कॉकपिट डिस्प्लेस यूज़ की जाएंगी इसके कॉकपिट को भी अपग्रेड किया जाएगा इसमें एक ट्रेन फॉलोइंग रडार इस्तेमाल किया जाएगा जिसकी मदद से पायलट बहुत लो फ्लाई कर सकेगा इसके टारगेटिंग पॉड में एक लेजर डेजिगनेटर होगा और एक ट्रैकिंग सिस्टम होगा जिसकी रेंज टेन माइल्स की होगी इसके साथ ही इस प्लेन के साथ डिजिटल हेलमेट माउंटेड क्यूइंग सिस्टम भी होंगे इसकी वेपन कैपेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो ये 22 टू ए टू एयर मिसाइल्स को कैरी करने केबल के होगा यह हाइपरसोनिक वेपन्स को भी लॉन्च कर सकेगा जो कि 22 फीट तक लंबे हों और 7000 पाउंड्स के वजन वाले हों इसके साथ ही ये अमेरिकन वेपन्स के कंप्लीट पैकेज के साथ आएगा जो कि बैटल टेस्टेड है इसके साथ प्रूवन ए एम रैम मिसाइल्स भी भारत को मिल सकती हैं जिसका एक नया वेरिएंट 150 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज वाला है ये हमारी अस्त्र मार्क टू मिसाइल के साथ कम्पेरेबल है इसकी यूनिट कॉस्ट और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो एफ फिफ्टीन ई फाइटर जेट की एक यूनिट की कीमत वन मिलियन डॉलर्स है और वहीं अगर इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में बात करें तो एक एफ थर्टी फाइव फ़ाइटर जेट की मेंटेनेंस कॉस्ट थर्टी फाइव थाउजेंड डॉलर्स पर आर की है और वहीं एक एफ फिफ्टीन ई एक्स फाइटर जेट की मेंटेनेंस कॉस्ट ट्वेंटी सेवन थाउजेंड डॉलर्स पर आर की है यानी कि इस एक क्राफ्ट को एक घंटा फ्लाई करने के लिए इसके ऊपर सताईस हज़ार डॉलर्स का खर्चा आएगा तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि इस फाइटर जेट का एम आर एफ ए टेंडर में कितना बड़ा चांस है अगर इस फाइटर जेट को हमारी एयरफोर्स के कॉन्टेक्सट में देखें तो हमारी एयरफोर्स के पास पहले ही ऐसी कैटेगरी वाला एक एयरक्राफ्ट एसी थर्टिक एम के एयरक्राफ्ट अवेलेबल है जिसको हमारी एयरफोर्स बहुत लंबे समय तक रिप्लेस नहीं करेंगी क्योंकि हमारे एयरफोर्स में अभी भी एक बिल्कुल नया एक क्राफ्ट है जिसको एक मिड लाइफ अपग्रेड मिलने के बाद ये एक और ज़्यादा केबेबल क्राफ्ट बन जाएगा जो कि सुपर स्कोई अपग्रेड होगी इसके साथ ही एम आर एफ ए टेंडर में एस यू थर्टी फाइव एयर क्राफ्ट और एफ फिफ्टीन ई एक्स फाइटर जेट दोनों एक क्राफ्ट ही एक ही कैटेगरी के एयर क्राफ्ट हैं ये दोनों एक क्राफ्ट ही हैवी वेट एयरक्राफ्ट हैं लेकिन हमारी एयरफोर्स एक हैवी वेट एयर क्राफ्ट नहीं चाहेगी क्योंकि इन एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होगी और इसी कैटेगरी का एयर क्राफ्ट हमारे पास पहले ही एस यू थर्टी एम के एयरक्राफ्ट अवेलेबल है इसके साथ ही हाल ही में ऐसी जानकारी आई है कि हमारी एयरफोर्स नए राफेल फाइटर जेट को फेवर कर रही है हमारी एयरफोर्स चाहती है कि जो भी नए एयरक्राफ्ट खरीदे जाएँ वो राफेल फाइटर जेट ही हों उसका उन्होंने एक कारण दिया है वो कारण काफ़ी लॉजिकल भी है कारण ये है कि हमारी एयरफोर्स का कहना है कि हमारी एयरफोर्स के पास पहले से ही अलग अलग ओरिजिन के एयरक्राफ्ट अवेलेबल हैं जो कि अलग अलग कंपनीज बनाती हैं और अलग अलग देशों की कंपनीज बनाती हैं जिससे हमारी एयरफोर्स को ऐसे एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने में काफ़ी मुश्किल होती है और ऐसे एयरक्राफ्ट की इंटर ऑपरेटिबिलिटी में भी काफ़ी कमी आती है यही कारण है कि हमारे एयरफोर्स का कहना है कि राफेल फाइटर जेट ही खरीदे जाएं क्योंकि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले ही बहुत सारा खर्च हो चुका है और उनमें इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट्स भी की जा चुकी हैं और हमारे पायलट्स भी अभी उस एयरक्राफ्ट के ऊपर ट्रेन कर दिए जा चुके हैं तो वहीं अगर हम एक नए प्लेटफॉर्म जैसे कि ए फिफ्टीन के ऊपर खर्च करते हैं तो उससे हमारे एयरफोर्स को फिर से ऐसे नए एयरक्राफ्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा और वहीं जो अमेरिकन वेपन सिस्टम है वो हमारी एयर फोर्स के लिए बिल्कुल नए हैं हमारी एयर फोर्स ने पहले कोई भी अमेरिकन फाइटर जेट ऑपरेट नहीं किया है इसके साथ ही हमारी इन्वेंटरी में ज़्यादा वेपन सिस्टम रशियन ओरिजिन और इजरायली ओरिजन के हैं तो रशियन वेपन सिस्टम के साथ ऐसे एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर पाना बिल्कुल मुश्किल होगा और यही कारण है कि हमें इस एयरक्राफ्ट के लिए बिल्कुल नए तौर पर नए अमेरिकन वेपन सिस्टम खरीदने पड़ेंगे जो कि काफ़ी महंगे होंगे और एक पहले से ही महंगे एयरक्राफ्ट और उसके साथ ही महंगे वेपन पैकेज को अगर मिला दिया जाए तो ये बहुत महंगा सौदा एयरफोर्स के लिए होगा और यही कारण है कि हमारी एयरफोर्स नए राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को ही फेवर कर रही है और एफ फिफ्टीन फाइटर जेट के खरीदे जाने के चांस बहुत कम हैं लेकिन यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि जो भी मिलिट्री परचेजेस की जाती हैं वो स्ट्रेटजिक रिलेशंस को ध्यान में रखकर की जाती हैं अगर हमें अमेरिका की जरूरत है तो ऐसा हो सकता है कि हमें अमेरिका से कोई बड़ी मिलिट्री परचेज़ करनी पड़े जिससे हम अमेरिका के साथ मिलकर काम कर सकें और अमेरिका के फेवर भी हमें मिल सके ऐसा पहले भी किया जा चुका है इससे पहले भी जब मिराज एक क्राफ्ट का ऑर्डर फ्रांस से दिया जाना था तब सोवियत यूनियन ने प्रेशर डाला था और इसके बाद हमने मिग ट्वेंटी नाइन क्राफ्ट सोवियत यूनियन से खरीदे थे और मिराज एयर क्राफ्ट की परचेज़ को काफ़ी कम कर दिया था ऐसा यहाँ पर भी हो सकता है और ऐसा भी पहले हो चुका है कि एयरफोर्स कोई एक क्राफ्ट चाहती थी और हमारी पोलिटिकल लीडरशिप ने किसी और एयर क्राफ्ट का ऑर्डर दिया था ऐसा हुआ था कि हमारी एयरफोर्स चाहती थी कि साब विजन एयरक्राफ्ट खरीदा जा जाए लेकिन हमारे जो स्ट्रेटजिक रिलेशन थे वो सोवियत यूनियन के साथ बहुत अच्छे थे तो हमने एक सोवियत फाइटर जेट को फेवर किया था तो अभी ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि जो नए फाइटर एयर क्राफ्ट का ऑर्डर दिया जाएगा वो कौन सा होगा लेकिन अभी राफेल फाइटर एयर क्राफ्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और एफ फिफ्टीन ई फाइटर जेट के चांसेस बहुत कम हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जय हिंद जय जै भारत